हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए और एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज ब्लॉग बनाने का कुछ अच्छा मूड नहीं है, तो आज सोच रहा हूँ आज डानकुन ही जा रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कुछ काम है वहाँ पे हमारी एंटॉर्क रिलेटेड, हमारी जो एंटॉर्क है उसका फ्यूल गेज का प्रॉब्लम रहता है, वो भी सॉल्व कराएंगे आज। इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी जो है वो एक्सपायर हो गए, वो भी हम लोग रिन्यूअल करेंगे, तो हमारी एंटॉर्क के ऊपर ही आज पूरा काम होंगे। चलिए गाइस, डानकुनी में चलते हैं, पूरा आप लोगों के साथ मिलता हूँ मोटो ब्लॉगिंग गोप्रो मूड पे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग पहले इसका फ्यूलिंग को तो गाइस पहले हम लोग फ्यूलिंग कराएंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे डानकुनी। वहाँ पे हमारी एंटॉर्क की फ्यूल गेज का प्रॉब्लम जो है सॉल्व होंगे सर्विस सेंटर पे, और इंश्योरेंस जो है फास्ट पार्टी वो भी रिन्यूअल करेंगे। इसके अंदर फ्यूल डाला लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलता हूँ। फ्यूल हो गया, तो गाइस हमारी फ्यूलिंग हो चुकी है। चलिए गाइस, ये सामने की तरफ है NH2, ये सोजा चले जाते हैं डानकुनी कोलकाता की तरफ और लेफ्ट साइड में जाते हैं वर्धमान दुर्गापुर की तरफ। यहाँ से हम लोगों को रोड क्रॉस करना है, पर इतना जैम क्यों है भाई? इतना ट्रक है, इसके बाद ही रोड क्रॉस करेंगे जाने के बाद। ले गाइस कैमरा ऑफ करते हैं, कुछ अच्छे से स्ट्रेच मिलता है तो हम लोगों के साथ मिलता हूँ। हाँ हाँ, बाइक होने का ही फायदा है भाई साहब, फुक फुक करके दोनों साइड से हम लोग निकल जाएंगे। ओ भाई बालू है लेफ्ट साइड में, ओ भाई क्या हुआ यहाँ पे, सुबह सुबह ट्रक गया। तो गाइस अभी का टाइम हो रहा है 9:10 और हम लोग अभी है सिंगूर के अंदर, और हम लोग का डिस्टेंस रहेगा डानकुनी से 35 किलोमीटर्स, ठीक है। और अब लोगों का माइलेज इंक्रीज करना है तो इको मूड पे चलाइए एंटॉर्क को, अच्छे से अच्छा माइलेज मिलेगा। 55 to 53 ऐसा माइलेज देती है हमारी एंटॉर्क हाई रोड पे, ठीक है। आप लोग अच्छा माइलेज लेना है तो एंटॉर्क से आप लोग अच्छे से इको मूड पे चलाए, 60-57 ऐसे स्पीड में क्रूज कीजिए तो अच्छा माइलेज मिलेगा आप लोगों को हाई रोड पे। ऑफ रोडिंग में तो मेरा एंटॉर्क 45 दे देती है भाई, देख देख। और हमारी सामने आ चुके हैं नबन्ना ढाबा, दिखाता हूँ आप लोगों को। चल भाई ट्रैक निकल ले, निकल ले भाई निकल ले। ओ भाई गजब रे भाई गजब। तो गाइस हमारी राइट साइड पे है नबन्नो मोस्ट फेमस सिंगूर की एक ढाबा, देख लीजिए बहुत बाइकर्स है, फोर व्हीलर्स भी है, यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं डानकुनी टोल प्लाजा, देख लीजिए ये टोल प्लाजा, बहुत लोग ही जानते हैं यहाँ पे संडे पे। यहाँ पे राइट साइड इधर मीटअप होती है सुपर बाइकर्स की, यहाँ से राइड स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं TBS की सर्विस सेंटर, देख लीजिए। ओ
तो गाइस पूरा काम हो चुके हैं आज की, हमारी एंटोर की इंश्योरेंस भी हो गई, रिन्यूअल, इसका जो फ्यूल का प्रॉब्लम था वो भी पूरा सॉल्व हो चुकी है। हमारा जो काम था ऑफिस का वो भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, अभी हम लोग जा रहा हूँ घर। ठीक है, मेरे को इंश्योरेंस रिन्यूअल करने के लिए पड़ा 1095 रुपीज़ और 50% इंश्योरेंस है, कोई भी पार्ट्स टूटेगा फटेगा तो 50% देंगे इंश्योरेंस वाले। ये आप लोग भी कर सकते हो, मेरा एक पहले वीडियो था इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है, जो लोग एंटॉर्क यूज़ करते हो, ज़्यादातर मेरा वीडियो जो लोग देखता है वो एंटॉर्क वाले ही देखते हैं, तो इसका जो फ्यूल टैंक है इसका रिजर्व पे 2.5 लीटर पेट्रोल रहता है रिजर्व करने का बाद। ठीक है, 2.5 लीटर की ज़्यादा पेट्रोल रहेगा तो इसका दोनों गेज दिखाई देंगे। ठीक है, सर्विस सेंटर में जाया, इसका कोई इशू नहीं था। ठीक है, हमारे पेट्रोल टैंक में पेट्रोल नहीं था, 2.5 लीटर के ज़्यादा पेट्रोल रहेगा तो इसका जो दोनों बार है वो दिखाएगा। तो गाइस आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे समाप्त करने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो थोड़ा सा जो ब्लॉग बनाने का हम लोग कोशिश किया और लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला और ऐसा ही मोटिफिकेशन और मोटो ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अभी मैं घर जाता हूँ, यहाँ से मेरा घर 2 किलोमीटर दूर। बाय बाय।